चुनौती स्वीकार करें। एक परिवार में, यूएस में एक परिवार था, वो परिवार एक गरीब परिवार था। उस परिवार के पास अपना लालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन पिता एक शक्ति, मानसिक शक्ति को मजबूत रखता था। उसे पता था कि यदि मैं अपने बच्चे को अच्छे से ट्रेंड कर पाऊंगा तो आने वाले समय में मेरा बेटा कभी गरीब नहीं रहेगा। माँ बाप को ये पता होता है, हम किसी भी अवस्था में हों लेकिन भविष्य में अपने बच्चों को अपने आप से बेहतर देखना चाहते हैं। यस और नो? हम में से हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े, उसका नाम रोशन हो, वो ज़्यादा पैसे कमाए, वो समृद्धि कमाए, वो भविष्य में आगे बढ़े और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जिए। यस और नो? और बेशक से वो परिवार गरीब था, उस पिता ने भी यही कहा, उस वो चाहता था कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट बने, बहुत डेवलप करे और दुनिया में बहुत अधिक नाम कमाए। तो पिता ने एक दिन बच्चे को कहा कि बेटा एक मैं तुम्हें टी शर्ट देता हूँ और इस टी शर्ट को तुम्हें बाजार में जाकर बेचना है। और जब वो टी शर्ट उस बच्चे को दी गई तो उस बच्चे ने सोचा कि इस पुरानी टी शर्ट को कौन खरीदेगा। उसने ध्यान लगाया कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस टी शर्ट में कुछ वैल्यू एडिशन कर दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ कि लोग इसे पसंद करें। और उस बच्चे ने, उसके घर में प्रेस तक नहीं थी तो उसने गर्म पानी लिया, एक मटके में, एक लोटे में पानी भरा, उससे प्रेस नहीं हुई तो उसने एक परात में पानी भरा और उससे पूरी टी शर्ट को प्रेस किया, क्योंकि उसको पता था हॉट प्लेट अगर कोई भी होगी तो टी शर्ट प्रेस हो जाएगी। और टी शर्ट को अच्छे से प्रेस किया, अच्छे से फोल्ड किया और उसको लगा कि मैं इसको कहाँ बेचूँ, क्योंकि अगर अपने ही राज्य में बेचूंगा तो वही लोग होंगे जो मेरे पड़ोस के हैं, वो तो कहेंगे कि इसका बिजनेस नहीं है। वो सीधा उस टी शर्ट को लेकर रेलवे स्टेशन गया और रेलवे स्टेशन के पास जाके बोलने लगा कि अमेरिका की सबसे फेमस टी शर्ट लेते जाना अगर यहाँ पर आए हो तो। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी, आगरा में जाते हैं और रेल अगर जाती है वहाँ से तो लोग कहते हैं कि अरे जाने से पहले आगरे का पेठा लेते जाना, मतलब वहां पर वैल्यू एडिशन क्रिएट कर दिया कि पेठा तो पूरे विश्व में मिलता है, सभी जगह मिलता है, अगर आगरा आए और पेठा लेके नहीं गए तो फायदा क्या है। तो उस लड़के ने यही किया, वैल्यू एडिशन क्रिएट किया कि अमेरिका की फेमस टी शर्ट लेते जाना, अमेरिका की फेमस टी शर्ट लेते जाना, यादगार के रूप में आपके साथ रहेगी। तो एक पैसेंजर ने पूछा, भैया कितने की है? तो जो टी शर्ट $1 की थी उसने कहा, सर $1 की तो सभी जगह मिलती है लेकिन ये अमेरिका की टी शर्ट है और आप जब अपने देश में जाओगे तो सबको बताना ये टी शर्ट अमेरिका से लेके आए हो। और उस बच्चे ने वो टी शर्ट $2 में बेच दी, मतलब $1 की पुरानी चीज उस बच्चे ने सिर्फ वैल्यू एडिशन करके अपने प्रोडक्ट को बढ़िया बताकर ₹2 में बेच दी। और जब वो बच्चा ₹2 लेकर घर पर आया तो उसके पिता ने कहा कि बेटा अब आपको एक टी शर्ट और बेचनी है, लेकिन अब आपको ये टी शर्ट ₹20 में बेचनी है। कितने में? सोचिए, ₹1 की चीज को ₹1 में बेचना ही मुश्किल है, वहां पर उस बच्चे ने ₹1 की चीज को ₹2 में बाजार में बेचा। और जब वो बच्चे को कहा गया कि अब आपको ₹20 में टी शर्ट बेचनी है तो उस बच्चे ने क्या किया, उसे लगा केवल इतना वैल्यू एडिशन काम नहीं करेगा कि मैं ये कह दूं कि ये टी शर्ट अमेरिका की है, कुछ तो इसमें ऐसी बात होनी चाहिए जो बाकी टी शर्ट्स में नहीं होती। तो उस बच्चे ने अपना संदूक खोला, उसमें उसके पास एक मिक्की माउस का स्टिकर पड़ा हुआ था, उसने वो मिक्की माउस का स्टिकर लगाया, टी शर्ट पर प्रेस किया, उसके बाद उसी थाल से उसकी प्रेसिंग की, प्रॉपर फोल्डिंग की, एक पॉलिथीन में उसको रैप किया और सोचा मेरा राइट कस्टमर कहाँ हो सकता है जो ₹1 की कीमत की चीज़ को 20 गुना दे सके। उसे लगा कि यदि मैं ऐसे स्थान पर पहुँच जाऊँ जहाँ अमीर लोग रहते हैं तो शायद वो इस चीज़ को खरीद पाएंगे। लेकिन अमीर व्यक्ति भी एक चीज़ को क्यों खरीदेगा जिस पर मिक्की माउस बना हुआ है? जब तक कोई व्यक्ति उसको पसंद नहीं करेगा तब तक नहीं खरीदेगा। तो वो एक ऐसे स्कूल के बाहर चला गया जहाँ पर अमीर बच्चों, अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, वो एक ऐसे स्कूल के पास चला गया जहाँ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। और जैसी स्कूल की छुट्टी हुई वो सबको बताने लगा कि अमेरिका की फेमस मिक्की माउस की टी शर्ट, अमेरिका की फेमस मिक्की माउस की टी शर्ट। तो बहुत सारे लोगों ने देखा लेकिन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हुए। एक अमीर व्यक्ति के बच्चे ने देखा और वो जिद करने लगा, पापा मुझे मिक्की माउस की टी शर्ट चाहिए। और आप जानते हैं हर व्यक्ति अपने बच्चों के सामने मजबूर हो जाता है और उसको लगता है, और अमीर व्यक्ति तो मजबूर क्यों, उसको तो लगता था कि मुझे अपने बच्चे को टी शर्ट दिलानी है। उसने कहा बेटा कितने की टी शर्ट है? उसने देखा एक गरीब बच्चा टी शर्ट बेच रहा है और मैं अपने बच्चे के लिए टी शर्ट खरीद रहा हूँ। तो उसने कहा कितने की टी शर्ट है? उसने कहा ₹20 की। तो ₹20 उसको टी शर्ट के दिए और ₹5 टिप के दिए कि बेटा अपने लिए भी एक टी शर्ट ले लेना आप मार्केट से। और ₹25 में वो टी शर्ट बेचकर जब वो लड़का घर पहुँचा तो उसके पिता समझ गए कि मेरा ये बेटा बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकता है।
आप जानते हैं एक ही कॉलेज से पास होने के बाद किसी की सैलरी 15,000 होती है, किसी की 25,000 होती है, किसी की 50,000 होती है, किसी की 1,00,000 होती है। सेम डिग्री होने के बाद भी उसका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। सेम स्कूल से पास आउट करने के बाद भी जब लोग अपने बिजनेसेस में जाते हैं तो किसी का बिजनेस प्रारंभिक स्तर पर बहुत छोटा होता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, और कुछ लोग जिनके पास पहले से पैसा होता है वो अपने बच्चों को बड़ा बिजनेस कराते हैं लेकिन देखते ही देखते वो बच्चा बड़ा हो जाता है जो वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में आपके पास कितने पैसे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कितना चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज की क्लास में हमारे साथ में यहाँ पर एक सर बैठे हुए हैं, जब इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं एक वॉच स्टोर का फ्रेंचाइजी डेवलप करना चाहता हूँ। तो क्या ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तराखंड में घड़ी की दुकान नहीं है, हजारों घड़ी की दुकान होंगी लेकिन उन्होंने कभी भी वैल्यू एडिशन के बारे में नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि कोई फ्रेंचाइजी क्यों लेगा या मुझसे वॉच क्यों खरीदेगा। लेकिन जो लोग वैल्यू एडिशन के क्रिएशन पर काम करते हैं वो लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, और जो चुनौती को स्वीकार करते हैं वही अपनी लाइफ में एक माइलस्टोन क्रिएट करते हैं। हो सकता है उनको वो काम करने में थोड़ा समय लग जाए लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उनकी निपुणता बढ़ती जाएगी और एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन क्रिएट कर देगा। तो वो बच्चा जब अपने घर पर पहुंचा तो उसने वो 25 रुपये अपने पिता को दिए कि पापा टी शर्ट की वैल्यू तो 20 रुपये ही है, 5 रुपये तो उन्होंने मुझे गिफ्ट के लिए दिए हैं। तो पिता समझ गया कि इस बच्चे की काबिलियत कई गुना ज़्यादा है। अभी तो इसने 1 का 2 किया और अब इसने 1 का 20 किया, अगर ध्यान लगाया जाए, सही टेक्निक सिखाई जाए तो 1 का 200 भी कर सकता है। तो उस पिता ने कहा कि बेटा अगली टी शर्ट आपको 200 रुपये में बाजार में बेचनी है। अब वो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बिक सकती है, 1 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बिक सकती है, 20 रुपये में बिक सकती है, लेकिन अब तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। मतलब मुझे वैसे नहीं सोचना होगा जैसे मैंने पहले सोचा था, मुझे मेरी सोच का नजरिया और दायरा इतना बड़ा करना होगा कि मैं एक चीज़ की वैल्यू एडिशन इतनी बड़ी कर दूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता वो चीज़ कितने की है। उस व्यक्ति को ऐसा सोचने पर मजबूर किया गया, उसने सोचा कि क्या मैं करूं ऐसा कि मेरी 1 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बिके। और सोचते सोचते वो मार्केट में जा रहा था, मार्केट में जाते जाते उसने देखा वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, डायना रॉस 1970 की अमेरिकन सिंगर। उसने देखा एक बहुत बड़े मॉल में डायना रॉस का एक प्रोग्राम होने वाला है, तो उसको लगा दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अमेरिका के सबसे फेमस है और आप जानते हैं बड़े बड़े लोगों की चीज़ की कीमत जो होती है वो बोली में लगाई जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने जो 5,000 रुपये का सूट बेचा वो 1.5 करोड़ रुपये में बिका, क्योंकि वैल्यू एडिशन हो गया कि उसको नरेंद्र मोदी ने पहना है। वो बच्चा उस टी शर्ट को लेकर गया और भागा 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 प्रोग्राम में पहुंच गया, और प्रोग्राम में पहुंचने के बाद बच्चा छोटा था वो नीचे से निकल निकल के डायना रॉस के पास बोला कि डायना रॉस मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आपके बहुत सारे गाने सुनता हूं, क्या आप मेरी इस टी शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ देंगे? उसने कहा ऑफकोर्स, और डायना रॉस ने मार्कर लिया और उस टी शर्ट पर एक सिग्नेचर किया, और वो बच्चा वापस भीड़ में आया कि डायना रॉस का सिग्नेचर किया हुआ टी शर्ट 200 रुपये में। जैसे ही व्यक्ति ने कहा मुझे चाहिए, किसी और ने कहा मुझे चाहिए, किसी और ने कहा मुझे चाहिए, उन्होंने कहा बोली लगा लो, जो हाईएस्ट बिडिंग देगा उसको ही टी शर्ट दे दूंगा। किसी ने कहा 200 रुपये, किसी ने कहा 300 रुपये, किसी ने कहा 400 रुपये, बोली बढ़ते 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 2,000 पर पहुंच गई, और जो 1 रुपये की टी शर्ट थी उस बच्चे ने वैल्यू एडिशन क्रिएट करके उसको 2,000 रुपये में बाजार में बेच दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, और ये बच्चा जो उस गरीब परिवार से था जब ये धीरे धीरे बड़ा होता गया तो ये फार्मूला समझने लगा कि यदि मैं हर चीज़ में वैल्यू एडिशन करने लग जाऊं तो मैं हर चीज़ की कीमत को बढ़ा सकता हूं। और ये बात हम पर भी लागू होती है, हम जैसे जैसे अपने अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे, अपनी काबिलियत को बढ़ाएंगे तो हम भी अपने अंदर अपनी कीमत को बढ़ाना शुरू कर देंगे और वैल्यू एडिशन करना लग जाएंगे। और जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो इस बच्चे का नाम है माइकल जॉर्डन, अमेरिका का फेमस बास्केटबॉल प्लेयर। और जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो उसको समझ में आया कि मैं अपनी वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता हूँ, और इस बच्चे ने बेहतरीन प्रदर्शन वॉलीबॉल में करना शुरू किया। जिस तरह से इसे ये पता था कि डायना रॉस की सिग्नेचर की हुई टी शर्ट इतनी महंगी बिकती है, तो कभी ऐसा समय होगा जब मेरे सिर्फ सिग्नेचर ही बाजार में
बिकने लगेंगे। और इसने वो हर चीज़ नीलाम की जो इसके पास थी, इसका पहना हुआ चश्मा, इसकी पहनी हुई टी शर्ट, इसका बैट, इसकी बॉल, इसके सिग्नेचर की बॉल जो बॉल मार्केट में 100 रुपये की मिलती है, वो 10,000, 20,000, 50,000 में बिकने लगी। इस व्यक्ति को पता था वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं। और हम में से हर व्यक्ति जो अपनी काबिलियत में वैल्यू एडिशन करेगा, वो अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएगा, अपनी योग्यता को बढ़ाएगा और कई गुना आगे बढ़ता जाएगा।